और जो मेरे भाई होटल मतलब बजट में ढूंढ। तो अब बात कर लेते हैं अटल टनल सिसु कोकसर का बेस्ट एक्टिविटी आप। तो अब बात कर लेते हैं मनाली में आप कहाँ पर अच्छा। तो अभी की बात मैं कर लेता हूँ कि मनाली में आपको कितना स्नो देखने को। आज मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं रोड की कंडीशन की बात करता हूँ। तो पिछली वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारा स्नो इस बार मनाली। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कौन सी जगह पर कितना स्नो गिरा हुआ है और कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी घूमने के लिए इस टाइम। तो अभी जो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये हमारे गाँव की है जहाँ पर बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे, तो मैंने वो क्लिप आपको दिखाने के लिए बनाया। तो आप एक बार चेक करें, उसके बाद मैं आपको आगे अपडेट दे दूँगा। सिर में तो देखिए, यहाँ गांव वाले हमारे वहाँ ऐसे खेलते हैं। तो देखिए, देखते देखते यहाँ पर कितनी सारी भीड़ हो चुकी है खेलने वालों की। ये इंसान है जिसके में बहुत ज्यादा बड़ा कीड़ा है खेलने का, तो इसी की वजह से ये सारी भीड़ है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारा स्नो इस बार मनाली में गिरा हुआ है। काफ़ी मतलब हर बार गिरता है पर बट इस बार थोड़ा लेट हुआ, सबके मतलब धड़कने तेज़ कर दी थी स्नो ने कि भाई इस बार मनाली में स्नो गिरेगा या नहीं गिरेगा। बहुत सारे डाउट थे सबके मन में, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और बहुत ही ज़्यादा आपने पीछे वीडियो में देखा सब लोग खेल रहे, गांव वाले मतलब फुल एंजॉय करते हैं आजकल, क्योंकि आजकल सब लोग फ्री होते हैं तो फुल एंजॉय करते हैं सब लोग। तो आज मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं रोड की कंडीशन की बात करता हूँ कि मतलब सबके लिए खुशखबरी है, जो भी मतलब नॉर्मल गाड़ी लेके आने वाले हैं सबके लिए मतलब जगह मतलब बिंदास होकर आप मनाली आ सकते हो, क्योंकि रोड अब क्लियर हो चुकी है, क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चल रही है तो मतलब रोड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बस ये थोड़ा बहुत सुबह जो रहता है, सुबह के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है चलने में, मतलब जैसे गाड़ी नहीं चलेगी आपका, जैसे आप कैसे कई बार होता है जैसे होटल आप थोड़ा ऊपर लेते चढ़ाई में लेते तो गाड़ी स्किड करने का जैसे थोड़ा बहुत टेंशन रहता है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे हाईवे तो आपका क्लियर है, मतलब आप मनाली तक अपनी गाड़ी ले आ सकते हो। अगर हाँ, वहाँ से मतलब अगर आप घूमने जाना चाहते हो, जैसे अटल टनल हो गया, सुलहंग वैली हो गया, हमटा पास हो गया, तो उसके लिए आपको 4x4 गाड़ी लगेगा। अगर 4x गाड़ी नहीं होगा, 4x4 गाड़ी नहीं होगा तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी मनाली तक आपकी जो गाड़ी है वो आ सकती है, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी की बात मैं कर लेता हूँ कि मनाली में आपको कितना स्नो देखने को मिलेगा। तो मनाली में अभी कम से कम, जैसे अभी मैं गांव की बात करूँ, तो ये देखिए पीछे नीचे दिख रहा है आपको मनाली है, तो इसके सामने ही हमारा जो गाँव है चिचोका गाँव है, तो वहाँ पर कम से कम 6 से 7 इंच तक अभी भी बर्फ़ बचा हुआ है। जैसे जहाँ पर जो धूप है, जहाँ पर ज़्यादा धूप लगती है वहाँ पर भी अभी बचा हुआ है, मतलब इतना 6-7 इंच अभी भी है मनाली में। मतलब जहाँ पर धूप नहीं लगता वहाँ पर तो कम से कम 1 फीट भी हो सकता है। तो सुलहंग वैली में बहुत ज़्यादा है,
तो इस बार का जो स्नो होगा वो थोड़ा बहुत मतलब जल्दी गलने वाला है, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो है लेट पड़ा है तो ये होता पानी वाला, जैसे मतलब जितना जल्दी धूप लगेगा तो उतना ज़्यादा ये मतलब गलने लग जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो स्नो जो है इस बार थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा। हाँ, जो हाइट में है, जो मतलब आप रोहतांग है, अटल टनल के पास है, जो मतलब ग्रामपुर साइड होगा, वो काफ़ी टाइम तक चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चलेगा वो, मतलब आपका जैसे मई जून तो मतलब निकल जाएगा, मतलब अच्छे खासे तरीके से निकल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम डेली लाते रहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे मनाली का प्लान कर रहे हो तो आपको किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो। तो अगर आपको कुछ भी जैसे समझ नहीं आता है कि मतलब 1% भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल डाल रहा हूँ यहाँ पर, आप चेक कर लेना। तो वहाँ पर मुझे मतलब DM कर देना, डायरेक्ट मैसेज जब आप करोगे तो मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूँगा। मतलब कोई चीज़ आपको जैसे समझ नहीं आता तो मैं वहाँ पर आपका हल कर दूँगा। जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती है कि मतलब जो एक वीडियो में हम लोग नहीं बता सकते आपको, जो मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं बताने लायक होती है, तो मैं आपको पर्सनली जब आप मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पर तो मैं उस टाइम आपको बता दूँगा। तो अब बात कर लेते हैं मनाली में आप कहाँ पर अच्छा एक्टिविटी कर पाओगे, मतलब कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट है कि जहाँ पर आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो एक्टिविटी करने के लिए देखिए, जो मतलब आपने ऑल एक्टिविटी करना है, मतलब हर एक एक्टिविटी आपने एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सोलांग वैली। सोलांग वैली जो है आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है, वहाँ पर आप हर एक मतलब 8-9-10 एक्टिविटी जो भी है वो वहाँ पर आप कर सकते हो, मतलब हर एक एक्टिविटी आपको मिलेगा। तो पैकेज आप देखिए अपने हिसाब से ले सकते हैं, जहाँ पर आपको बजट वाइज लगता है, जैसे मतलब आप किसी मतलब किसी के थ्रू पैकेज ले रहे हो तो वो भी सही है। अगर आप जाके मतलब ऑन द स्पॉट ले रहे हो तो ऑन द स्पॉट भी आपके लिए बेस्ट है। ऑन द स्पॉट हो सकता है कि मतलब आपको थोड़ा बहुत कम में भी पड़ सकता है, पर आप खुद ही अपने देख के लें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप जैसे नीचे से पैकेज लेते हो उसमें क्या होगा कि आपको एक गाइड कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, तो वो आपको जैसे सब कुछ वहाँ पर घुमाएगा। बेस्ट एक्टिविटी आपका सोलांग वैली में ही रहेगा, और हमटा पास भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको एक्टिविटी देखने को मिल जाएगा। हमटा पास देखिए सबसे पहले जो मेन होता है वो इग्लू के लिए लोग जाते हैं, इग्लू देखने के लिए, भाई इग्लू वहाँ पर स्नो का मिल इसीलिए जाते हैं। तो आप भी मतलब वहाँ पर जा सकते हो, एक्टिविटी वहाँ पर हो जाएगा, आप चेक कर लेना खुद। क्योंकि मैं पर्सनली मैं आपको सीधा शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं तो कभी हमटा पास गया नहीं हूँ, पर मैंने ऐसा है कि मतलब हमटा पास में आधे तक गया हूँ, 23 मोड़ तक मैं गया हूँ, उससे ऊपर मैं हमटा पास नहीं गया हूँ। तो आप खुद सर्च कर सकते हो, आगे भी आपको और कुछ मतलब वीडियो मिल जाएगा जो हमटा पास में जाके टूरिस्ट डालते हैं, तो आप हमटा पास के बारे में सर्च कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अटल टनल सिसु कोक्सर कब खुलेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि मतलब सिसु अटल टनल कब खुलेगा। देखिए फरवरी मार्च लास्ट के बाद मतलब खुल सकता है, वहाँ पर मतलब सारा एक्टिविटी होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल तक हो सकता है कि अप्रैल से पहले ही मतलब सब कुछ खुल जाए, आप सिसु भी जाने लग जाओ, क्योंकि दो महीने के लिए वहाँ पर बंद रहता है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक मतलब बंद रहता है। अप्रैल फर्स्ट वीक तो मतलब हो गया ही होगा कि मतलब सिसु ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। तो अटल टनल सिसु कोक्सर ये 3-4 चीज़ें मतलब आपकी अप्रैल के बाद ही मतलब अच्छे से खुलेगी, कि मतलब टूरिस्ट उतरेगा, अच्छा खासा खिलेगा। तब तक के लिए जैसे आप मतलब अटल टनल जैसे क्रॉस करोगे, वहाँ से आपको अटल टनल से यू टर्न लेके फिर से वापस आना पड़ेगा। तो ये कंडीशन रहता है अटल टनल के साइड जाके, मतलब अटल टनल क्रॉस करने के बाद ये कंडीशन रहता है कि मतलब वहाँ पर 2 महीने के लिए जैसे बंद रहता है। और जो मेरे भाई होटल मतलब बजट में ढूंढते हैं कि मतलब इस टाइम अगर हम आएंगे तो बजट में होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। देखिए मेरी बात को, हर एक बात को आपको माइंड में लेना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक जो भी मैं बात बोलता हूँ वो मतलब हकीकत होता है, वो सही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बात घुमा के बताऊँगा, मैं सीधा बता देता हूँ कि होटल के रेट आजकल डाउन हो चुके होते हैं। तो मतलब आप मनाली आ रहे हो तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा कि मैं आपके जैसे रूम 2-3 हज़ार में मिलेगा या 5 हज़ार में मिलेगा, मतलब बजट में मिलेगा। अब मिलेगा जितने में मतलब आपको, जैसे मतलब आप आओगे तो आपको मतलब गाइड ही बता देते हैं कि भाई हाँ इतने में आपको दिला देंगे, या मतलब आप समथिंग। मैं रेट शो नहीं करता हूँ, पर आपको अगर जानना होगा तो मैंने इंस्टाग्राम का देखिए प्रोफाइल दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपने मुझे DM करना, मैं आपको बता दूंगा रेट भी। मैं अब मैं वीडियो में मेंशन नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को।